base chemical which is used, the base chemical which is there in ABA is mevalonic acid. You can see that word, mevalonic acid. Fine. जैसे कहीं पे ट्रिप्टोफैन था, कहीं पे हमने 5-perfuralamine लिखा था, वैसे यहाँ पे मेवलॉनिक एसिड. ठीक है ना. सबसे इंपॉर्टेंट है एबीए का नाम एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड उससे नाम से ही क्लियर होता है कि वो कोई भी चीज को क्या करेगा, फॉल करेगा. एब्सिशन मतलब कट होके गिर जाना. तो प्लांट के लीव्स को फॉल करने के लिए, फ्रूट को फॉल करने के लिए, अपने फ्लावर्स जो ड्राई हो जाएंगे उसको फॉल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एबी. ठीक है. सो इट हेल्प्स इन शेडिंग ऑफ फ्रूट्स, लीव्स, फ्रूट. उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है. सेकेंड इंपॉर्टेंट काम है बड डॉर्मेंसी. मतलब कोई भी सीड उसको जर्मिनेशन से रुकाएगा वो, प्लस कोई भी बड है बड को फ्लावर बनने से रुकेगा. ठीक है. So let's see how it works here. We are moving ahead. You can see a physiological effect of abscisic acid. Okay, ABA. Class, this hormone has come in exam before also. Important है और easy है. वो याद रहता है क्योंकि inhibitor में वो काफी strong hormone. Promotes abscission of leaf. मतलब leaf fall. Causes dormancy. आपको दिख रहा है. Dormancy of buds and seeds, उनको वो रुका देता है. Accelerate senescence, aging, leaves को जल्दी old करके, yellow करके, flower को ripe करके वो fall कर देगा जल्दी. Flower, fruits, leaves will fall more easily. It inhibits and delays cell division. देखो cell division को stop करता है, delay करता है, रुकाता है. ठीक है. उसको वो लेट कर देगा तो स्लो हो जाएगा प्रोसेस. सेल को लॉन्ग भी नहीं होने देता. क्लियर. इट स्टॉप्स कैम्बियम एक्टिविटी. मतलब लेंथ तो रुकेगी, ब्रेथ को भी जल्दी होने नहीं देता, कैम्बियम को भी रुका रहा है. सो लुक एट एबी एज अ इनहिबिटर. इट इज स्टॉपिंग सो मेनी थिंग्स. इट इज स्टॉपिंग प्लांट फ्रॉम जर्मिनेशन. इट इज स्टॉपिंग the leaves for remaining green. It makes it fall down easily. Cell division को रुका रहा है. Cambium जो diameter को grow करता है उसको भी रुका रहा है. और किसको वो help कर रहा है? Falling of leaves, falling of fruits, falling of plants. ठीक है. So that is the main function. But still, how look? ABA causes efflux of potassium ion. Now look at us. जब भी efflux of potassium ion की बात आती है, you have to remember one word, stomata. तो plant में stomata open होता है ऐसे. Correct? ये open है. तो जब potassium ion उसमें से बाहर जाएगा, क्योंकि लिखा है efflux, influx होता है मतलब अंदर आना. तो जब potassium ion guard cell में से बाहर जाता है, उसकी वजह से stomata बंद हो जाता. तो स्टोमेटा बंद होगा तो क्या होगा? CO2 अंदर नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस रुकेगा, लेकिन पानी भी बाहर नहीं जाएगा तो ट्रांसपीरेशन भी रुकेगा. सो इट हेल्प्स एज एंटी ट्रांसपेरेंट. व्हेन आई से एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब क्या क्लास? ट्रांसपीरेशन को वो रुका रहा है. ओके, आई रिपीट, ये आपका स्टोमेटा के गार्ड सेल्स. ये गार्ड सेल्स जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये ओपन ड्रॉ कर रही है, बराबर है? दिस इज ओपन. ठीक है. अब पोटेशियम आयन जब गार्ड सेल से बाहर जाते, इफ्लक्स बाहर, तो उस वक्त गार्ड सेल्स फ्लैट हो जाएंगे और धीरे धीरे ये स्टोमेटा बंद हो जाए. ओके, एंड वी कैन यूज द वर्ड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. And that is acting as an anti-transparent. So who helps in anti-transparent? ABA, क्योंकि जैसे ही stomata close होगा उसमें से water बाहर नहीं जाए. ठीक है. Now what is very important related word नीचे, it acts as a stress hormone. Stress hormone कैसे? अगर बहुत heat है, it is very hot, there is lots of water loss,
तो ये तो ट्रांसपिरेशन को रुका रहा है, इट इज स्टॉपिंग ट्रांसपिरेशन, सो इट इज नॉट अलाउविंग द प्लांट टू कम अंडर स्ट्रेस. तो जब भी स्ट्रेस होगा, प्रॉब्लम होगा, डिफिकल्ट कंडीशन आएगी, स्पेशली रिलेटेड टू वॉटर, स्टोमेटा बंद हो जाएगा. स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो क्या होगा, वॉटर लॉस रुक जाएगा. सो इट इज नोन एज स्ट्रेस हॉर्मोन, टू बी मोर पर्टिकुलर वॉटर स्ट्रेस हॉर्मोन, टू बी मोर पर्टिकुलर वॉटर स्ट्रेस हॉर्मोन. अब लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट जिनको बहुत ज्यादा सनलाइट लगती है बहुत देर तक, उनमें ये फ्लावरिंग को रुकाता है. लेकिन शॉर्ट डे प्लांट जिनको सनलाइट ज्यादा देर नहीं लगती, उनमें फ्लावरिंग को वो प्रमोट करता है. लुक एट द वर्ड, लॉन्ग डे प्लांट में क्या करेगा, वो फ्लावरिंग को इनहिबिट करेगा, इनहिबिट मतलब स्टॉपिंग. एंड इन शॉर्ट डे प्लांट इट विल स्टिम्युलेट, इट विल ग्रो. सो यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन सी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इट इज एक्टिंग एज इनहिबिटर मतलब स्टॉपर, बट इन सम प्लेसेस इट इज एक्टिंग एज स्टिम्युलेटर ऑल्सो. ठीक है, यस. ये देखिए क्लास, ये वॉटर स्ट्रेस दिख रहा है आपको, प्लांट दिख रहा है एकदम ड्राई दिख रहा है नीचे सॉइल, तो उसमें ए बी ए हेल्प करेगा सो दैट ट्रांसपिरेशन रुक जाए. करेक्ट. नेक्स्ट देखिए, ये रहा आपका स्टोमेटा, ए बी ए दिख रहा है आपको. जब ए बी ए स्टोमेटा की तरफ जाएगा, स्टोमेटा विल क्लोज. लुक एट द वर्ड बिलो, क्या लिखा हुआ है, स्टोमेटा क्लोजर. तो फिर वॉटर लॉस क्या हो जाएगा, लेस, कम हो जाएगा ना, ये ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा. ठीक है, सो ए बी ए हेल्प इन बेरिंग द स्ट्रेस. यहाँ पे देखिए एक वर्ड है डिहाइड्रेशन का स्ट्रेस, पानी की कमी से होने वाले स्ट्रेस को वो रुकाता है. ठीक है, सो दैट इज वॉटर स्ट्रेस. ठीक है क्लास, सो दिस एंड्स अवर चैप्टर. हमारा लास्ट हॉर्मोन था एब्सिसिक एसिड, ए बी. इज इट वेरी क्लियर, वट आर द फाइव हॉर्मोन्स, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, ए बी ए, एब्सिसिक एसिड. ए बी और इथिलीन किसमें काम आ रहे थे हमको, इनहिबिशन में, स्टॉप करने में, फ्लावर फ्रूट और सीड को फॉल करने में. करेक्ट. और जो बाकी के तीन थे, कोई स्टेम की लेंथ बढ़ा रहा था, कोई रूट की, समवेयर हेल्पिंग इन मेकिंग द लीव्स ग्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, समवेयर हेल्पिंग इन मेकिंग द फ्रूट्स लॉन्ग, सो देयर वर डिफरेंट इफेक्ट्स. करेक्ट, ब्रांचिंग में हेल्प कर रहे थे. सो दिस इज हाउ द हॉर्मोन्स वर्क. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया प्लांट हॉर्मोन. Is everybody clear with this? Just give me a feedback. Is it fine? We have done five hormones. Wohi ek topic hai is chapter. Is it very clear? Hello. Okay. Few more. Okay. Thank you. Fine. Ma'am, iska slides kab bhej diye aap? Aaj hi. Ye khatam ho gaya na, aaj to abhi bhej do. Theek hai? Turant bhej do. Fine. हेलो, आज जैसे ही लेक्चर खत्म होता है मैं आपको स्लाइड फॉरवर्ड कर दीजिएगा. यहाँ पे जो भी बोल रहा है आपकी आवाज ट्रेल हो रही है. हेलो, मैम आई वाज सेइंग दैट प्रीवियस चैप्टर का भी भेज दीजिएगा स्लाइड्स, सिक्स चैप्टर.
हेलो क्लास, एम आई ऑडिबल? हेलो. यस मैम. ओके, मैं दूसरे चैप्टर के डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ. कोई कुछ कह रहा था, वो बीच में बात कट गई. ये चैप्टर का स्लाइड ना मैं आज ही भेज दूंगी. और कुछ कोई कह रहा था? नहीं ना मैम, प्रीवियस चैप्टर का भी, सिक्स चैप्टर का स्लाइड्स. सिक्स चैप्टर प्लांट वाटर. हाँ ओके, मैं प्लांट वाटर का स्लाइड भेज देती हूँ. लेकिन उसमें याद रखना, वो पूरे चैप्टर का स्लाइड और आपको सिर्फ वहां तक ही करना. मैं टॉपिक का हेडिंग भेज दूंगी, चलेगा ना? एक्चुअली मैंने क्यों नहीं भेजा था, क्योंकि वो मैंने कट नहीं की. मैम नीट में भी स्कीप है क्या? नीट में भी स्कीप है क्या? नहीं, वो तो नीट का सिलेबस अभी आने वाला, नहीं फिलहाल तो नहीं है. मतलब इफ यू आर टॉकिंग टिल टुडे, दे हैव नॉट गिवन एनी रिलीज. नो, नॉट इट. ठीक है, तो अगर नीट में नहीं है तो हम पूरा चैप्टर करेंगे उसके बाद, जैसे ही हम बोर्ड का अभी खत्म होने वाला आपका सिलेबस वेरी सून, करेक्ट? तो फिर हम तुरंत नीट पे चले जाएंगे. ठीक है, और वहां पे फिर करवा देंगे, डोंट वरी. ठीक है, आई स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. ओके, वन मिनट. सॉरी क्लास, मैंने गलत शेयर कर दी. I'm so sorry, class. 11, 12 कितने पावर पॉइंट है ना कि कैन यू सी द हेडिंग, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो? यस मैम. हेलो, यस मैम. सेकेंड लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14. ओके, और इसमें से भी सिर्फ एक ही टॉपिक है, सिर्फ एक ही टॉपिक. ठीक है, तो मैं छोटे टॉपिक इसलिए कर रही हूँ ताकि आप नंबर ऑफ चैप्टर में कंफर्टेबल हो जाएं. ठीक है, तो आपका अभी अभी हमने क्या कंप्लीट किया? प्लांट वाटर. आज कंप्लीट हो गया प्लांट ग्रोथ, डिलीटेड छोड़ के, नो डाउट वही किया हमने. और अब हम इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो पे जा रहे, चैप्टर नंबर 14. ठीक है, लेट्स लुक हियर. द टॉपिक विच इज देयर in this chapter is this, ecological succession. What is the topic there? Ecological succession. ठीक है, can you see the heading class very clearly? Yes, is the heading visible to you? Okay. Now class, इसको understand कीजिए. What is ecological succession? तो एक पहले basic idea ले लीजिए. Whenever we visit any area, हम जब भी किसी एरिया किसी जगह पर जाते हैं, सपोज आप अपने गांव चले गए, ओके, क्योंकि हम सब मुंबई में रहते हैं, तो भी कभी कभी हम अपने विलेज जाते हैं, करेक्ट? और वहां पे आपने देखा जंगल, देखे पहाड़, देखे क्योंकि विलेज है, कोई बहुत बड़े पेड़ देखा. और सपोज आप उसके बाद अपने विलेज जाते हैं मे बी 50-70 ईयर्स के बाद, अभी जा रहे हो, और मे बी 50-60-70 ईयर्स के बाद, तो क्या वो जगह सेम होगी? नो मैम. नहीं, करेक्ट, एकदम सेम तो नहीं होगी, काफी कुछ बदल जाएगा 50-60-70 सालों में. ठीक है, अब मैं कह रही हूँ थोड़ा सा बढ़ा दे. सपोज ह्यूमन बीइंग लॉन्ग लिव होते और 200 साल बाद हम उस जगह पे, ओके, 200 साल बाद. या आप मुंबई में रहते हैं, मैं आपको मुंबई की 300 साल पुरानी पिक्चर दिखाऊं, अगर 300 इयर्स पहले किसी ने मुंबई की कोई फोटो ली हो और वो हम दिखाएं अभी, तो इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट मुंबई इज टुडे? यस मैम, 100%, करेक्ट? तो व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कि कोई भी एरिया, कोई भी इकोसिस्टम
कभी भी सेम नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। तो चेंज क्या होता है? वहां पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, फंगस, जो भी वहां रहता है, पूरी कम्युनिटी बार बार चेंज होती रहती है। श्योरली चेंज होने के लिए हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लगेंगे, ओके? हो सकता है 300 साल लग जाए, हो सकता है 1000 साल लग जाए, बहुत साल लगते हैं, लेकिन चेंज इज कंपल्सरी। किसी या किसी रीजन से वो इकोसिस्टम चेंज होता ही रहता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। आर यू गेटिंग इट? जैसे आप ऐसा सुनते होंगे कि मुंबई में पहले बहुत सारे पेड़ थे, अब वो नहीं है, मतलब या तो वो कट गए हैं करेक्ट, या उनको काट दिया गया, या उनकी डेथ हो गई है, या बहुत जगहों से हमने जंगल कट कर दिए, तो हमने क्या किया, वो पेड़ तो मर गए ना, फिर वो एरिया तो चेंज हो गया। व्हाट इज दैट? अ इकोलॉजिकल सक्सेशन। पर जैसे मुंबई में पेड़ की जगह क्या आ गई, बिल्डिंग आ गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खड़ी हो गई, वो हम साइड में रखते हैं। मैं इकोलॉजिकल बात, हो सकता है वो पेड़ की जगह कोई दूसरा पेड़ आ गया, करेक्ट? हो सकता है एक जगह पे पहले बहुत सारे टाइगर मिलते थे और उस जगह पे टाइगर के बदले कोई दूसरा एनिमल आ गया। तो ये सब चेंजेस होते ही रहते हैं, एंड दिस इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, नाउ क्यों ऐसा? क्योंकि सबसे पहले रीजन है नेचर। नेचर कभी भी रुकता नहीं है। अभी आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी ठंडी का सीजन शुरू हो रहा है, करेक्ट? हमको अक्टूबर हीट फील हो रही थी, अब धीरे धीरे नवंबर में क्या होगा, हल्की सी ठंडी आने लगेगी, फिर सीजन चेंज हो, फिर थोड़े महीनों बाद फिर से गर्मी शुरू हो जाएगी। सो व्हाट इज दैट? नेचर कीप्स ऑन चेंज। अगर नेचर चेंज होगा तो ऑर्गेनिज्म को भी चेंज होना पड़ेगा। वो अगर अडेप्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अडेप्ट नहीं कर पाया तो फिर उसको मरना पड़ेगा। ठीक है, मरना नहीं है तो वहां से जाओ आप, हम वो जगह से, जैसे ठंडी गर्मी के सीजन में हम बहुत सारे लोग हिल स्टेशन चले जाते हैं ना घूमने, पहाड़ों पे चले जाते हैं, शिमला चले जाते हैं, मसूरी चले जाते हैं, करेक्ट? क्यों? क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि वहां पे रहना मुश्किल हो रहा है, तो ठीक है थोड़े दिन के लिए हम खुद को शिफ्ट कर लेते। तो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, या तो वो अडेप्ट करेगा, जैसी गर्मी है उसमें रहेगा, खुद को वो सब चीजों बर्दाश्त करेगा, या तो वो उस जगह को छोड़कर चला जाएगा। दिस एक्चुअली हैपेंस। अब ये हिल स्टेशन वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, कि हिल स्टेशन से तो हम वापस आ जाते हैं ना क्लास, करेक्ट? ये तो माइग्रेशन करके आ गए, ऐसा हो गया। लेकिन मैं बात कर रही हूँ जब बहुत चेंजेस आते हैं, मेजर चेंजेस, बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं एक्सटिंक्ट, पूरी तरह खत्म, और बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म उधर आ जाते। तो एक एरिया मेरे लिए फेवरेबल था, अब नहीं, तो या तो मैं वहां से चली जाऊंगी, या मेरे जैसे ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे, पर कुछ लोगों के लिए वो अच्छा हो जाएगा तो वो लोग वहां पे आ जाएंगे, एंड दिस चेंज इन एंटायर कम्युनिटी विल बी कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, और सिर्फ यही टॉपिक हमको पढ़ना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है, और उसके स्टेप्स क्या। बहुत इजी है क्लास, लेकिन आपने लोअर क्लासेस में नहीं किया, ठीक है? नहीं तो क्या होता है, इकोलॉजी में फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड, ये सब हमने बहुत बार किया। थाउजेंड ईयर्स, यस करेक्ट, बिल्कुल सही बोल। इसीलिए मैंने क्या किया, आपको पहले सिंपल ह्यूमन एग्जाम्पल से बताया, लेकिन ह्यूमन में तो क्या होगा, हमारा लाइफ स्पैन ही हो सकता है 60-70-80 ईयर का, बराबर है? तो हम तो एक के बाद दूसरा सक्सेशन एक्चुअली देख भी नहीं पाए, ठीक है? तो जब हम कम्युनिटी चेंज की बात कर रहे हैं तो 200-300-500 साल की जरूरत है उसको समझने और देखने की। इसलिए मैंने कहा ना, मुंबई का अगर मैं फोटो दिखाऊं आपको 500 साल पुराना, तो यस शायद हमें सक्सेशन दिखाई दे, है ना? ऐसा है, ठीक है? तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। एक पूरी कम्युनिटी चेंज हो सकती है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो सकता है, और एक पूरा नया ग्रुप वहां पे आ सकता है,
और हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर ले और वो वहां से नहीं भी जाए, इजंट इट? जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा चेंज ही होगा, बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत कुछ सेम भी रह जाए, ऐसा भी, ठीक है? सो लेट्स सी ये होता कैसे और क्या। लेकिन क्लास क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड है, 2 to 3 mark में, 4 mark का क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है? सो लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग। सक्सेशन, तो पहले इकोलॉजी वर्ड नहीं है, देखिए, इट इज अ स्पेशियल पैटर्न विच अकर्स ओवर टाइम, मतलब चेंजेस इन एरिया विच अकर्स ओवर टाइम, टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम, ठीक है? लेकिन मेरा इंटरेस्ट सक्सेशन में, मेरा इंटरेस्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, बराबर है? हम सबको वो पढ़ना है, ग्रेजुअल, धीरे धीरे, ठीक है? प्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में बता सकते हैं पहले से कि शायद ये होगा, चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन, किसी एरिया की स्पीशीज, पूरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर चेंज हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। आई रिपीट, ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल चेंज इन, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, प्रेडिक्टेबल मतलब जिसके बारे में पहले से बता सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मुंबई में और भी गर्मी बढ़ेगी? हाँ, मुंबई में और भी पेड़ कम होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बनता जा रहा है मुंबई, करेक्ट? तो पोल्यूशन बढ़ेगा, यस? तो वो प्रेडिक्टेबल चेंज है। मैम बट अभी तो लॉकडाउन में सब बंद है ना, तो फिर नहीं होगा शायद से हीट। पर तुम्हें नहीं लगता लॉकडाउन? नहीं नहीं, हम तो अभी तो हम 200, 300, 500 साल में बात करेंगे ना, नेक्स्ट 300 years में लॉकडाउन तो जाएगा, है ना? और ये प्रेडिक्टेबल है, लेकिन हो सकता है जो हम प्रेडिक्ट करें वो ना भी हो सकता है मुंबई के लोग पेड़ उगाने लग जाए, इंडस्ट्री बंद कर दे, कम कर दे। अभी लॉकडाउन से हमें काफी सबक मिल चुका है, तो हो सकता है कुछ और भी हो, बराबर? लेकिन काफी कुछ प्रेडिक्ट हो जाता है, क्योंकि हम आज से 200-300 साल आगे की सिचुएशन प्रेडिक्ट कर पाते हैं। साइंस प्रेडिक्ट करता है कि ऐसा होगा, आइस मेल्ट होगा, सी लेवल बढ़ेगा, शायद मुंबई डूब जाए 300 साल में, यू नेवर नो, इजंट इट? तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो खाली एरिया नहीं, एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, वहां का सॉइल टाइप, क्लाइमेट, सब कुछ चेंज हो, ठीक है? तो उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, मतलब एक के बाद दूसरे का आना। देखो क्लास, अब आप 12th स्टैंडर्ड में, बराबर है? अब क्या होगा, अगले जून में क्या होगा, आपका बैच तो चला जाएगा और मैं किसी नए बैच को पढ़ा रही होंगी, बराबर है? तो वो बैच जाता है और एक नया बैच आता है, पर वो बैच तो पूरा नया है ना, कोई एक नया ग्रुप है, नए बच्चे हैं, बराबर है? दैट इज अ सक्सेशन, एक के बाद एक कुछ ना कुछ आता रहेगा। क्या आप परमानेंट मेंबर हो हमारे 12th स्टैंडर्ड के? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल चाहते भी नहीं ना कि आप 12th में रह जाए, आगे बढ़ना आपको, तो आप तो चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ और करेंगे, आप कोई दूसरे कोर्स में जाएंगे, वहां पे आप कुछ किसी और स्टूडेंट को सक्सीड करेंगे, इजंट इट? सक्सेशन, एक के बाद एक फॉलो कर, ठीक है? सो दैट इज व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। लेकिन इसमें यह जरूर है कि इकोलॉजी साथ में रखना है, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली खत्म भी हो सकते हैं, बहुत सारे नए भी आ सकते हैं, जैसे ये कोरोना वायरस है ना, पहले हमने बहुत ज्यादा नहीं सुना था, हमको उसी से इतनी तकलीफ हो गई, तो कुछ न्यू चीज आ सकती है, कुछ नया तरीका हो सकता है। देखिए इतने सारे ह्यूमन बीइंग की डेथ हो गई है उसकी वजह से, है ना? तो यू डोंट नो, कोई नया वायरस आ जाए थोड़े बाद में और उससे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाए, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट सो वेल, बट यस वी कैन प्रेडिक्ट अबाउट बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स जो खत्म होने वाले हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, इज इट? तो उसकी हम बात करें, ठीक है? वेरी क्लियर। ये देखिए, द चेंज इज सीक्वेंशियल, मतलब ज्यादातर सक्सेशन सडनली होता, ऐसे नहीं होता कि ह्यूमन बीइंग में 2020
मुंबई में रहते थे ह्यूमन बींग और 2021 में वहां से एक्सटिंक्ट हो गए, ऐसा नहीं, मतलब और उनके बदले कोई और है, ऐसा नहीं, सीक्वेंशियल होता है और एनवायरमेंटली रेगुलेटेड होता है, मतलब उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, एनवायरमेंट, हु इज कंट्रोलिंग दैट चेंज, एनवायरमेंट, ओके, मतलब जो नेचर में होगा, नेचर जो सोचेगा, नेचर जो प्लान करेगा वो, और हम सबको पता है हम नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कंट्रोल नेचर का, आप टेम्परेचर, क्लाइमेट, फ्लड, करेक्ट, सुनामी, ये सबको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं, द इकोसिस्टम इज ऑक्यूपाइड बाय पायोनियर स्पीशीज, पायोनियर क्या होता है, फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी व्हिच डेवलप्स ह्यूमन एरिया में, तो कोई भी चीज में, मतलब ये तो सक्सेशन की बात है, कोई भी चीज में जो फर्स्ट होता है उसको पायोनियर बोलते हैं, ओके, पहले टाइप के प्लांट जो सबसे पहले वहां पे है। तो सपोज हमने अभी आपने आप देख रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गो टू इंडिया इज प्लानिंग ह्यूमन लैंडिंग ऑन मून, बराबर है, तो इंडिया का कोई पहला इंसान मून पे जाएगा बहुत जल्दी, करेक्ट, 2023 का हमारा प्लान तो चल ही रहा है ना, बराबर है, तो हमने उसे भेज दिया, वो मून पे पहुंच गए, ठीक है, और अगर हमने उसे मून पे छोड़ दिया तो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगा, बराबर है, हाँ खो जाएगा, मतलब चांसेस है वो उसकी डेथ हो जाए, लेकिन लेट्स टेक इट लिटिल पॉजिटिवली, मैं बहुत एब्सर्ड एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज वो अडेप्ट कर लेता है और वो मून पे रह जाता है, ठीक है, वहां पे किसी भी तरीके से सरवाइव कर रहा है, उसकी बॉडी भी ठीक ठाक अडेप्ट कर रही है, वो वहां पे कुछ खाने पीने को भी उसको मिल जाए, ठीक है, तो वो पहला ऑर्गेनिज्म हो जाएगा जो वहां पे रह रहा है इतनी डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में जहाँ पे पहले कोई नहीं रहा, तो वो हो जाएगा हमारा पायोनियर, आर यू गेटिंग, चलो ह्यूमन को छोड़ देते हैं, हम स्पेसक्राफ्ट से जाते हैं वहां पे मून पे, कुछ बैक्टीरिया छोड़ देते हैं, कुछ वायरसेस छोड़ देते हैं, कुछ फंगस छोड़ देते हैं, एज्यूमिंग कि वो मर जाएंगे, लेकिन अगर वो अडेप्ट कर गए और वहां पे रहने लगे तो वो धीरे धीरे अपनी कम्युनिटी बनाएंगे, वहां पे रहना सीखेंगे, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मून पे तो वो भी नहीं गए हैं कभी, पर अगर वो रह गए तो वो पहली कम्युनिटी होगी, करेक्ट, जो वहां पे रहेगी, तो पायोनियर स्पीशीज क्या होती है, वो जो बहुत मेहनत करती है, जो ऐसे एरियाज में चली जाती है जहां पे कोई रहता नहीं और फिर वहां पे किसी तरह जम के रह जाती, किसी तरह बड़ी मुश्किल से, पर उनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं था, तो वो पहले अब पायोनियर को देख के क्या होगा, कोई और भी जाएगा, तीसरा भी जाएगा, तो इंडिया ने कुछ ऑर्गेनिज्म को भेज दिया, फिर ह्यूमन को भी भेज देंगे, फिर किसी और को भेज देंगे, आपको मिशन मंगल पता है, हो सकता है हम बोलेंगे अच्छा मून नहीं चलो मंगल पे चले जाते हैं, हम एक प्लैनेट तो ढूंढ ही रहे हैं, आपको पता है, यू नो ना, वी हैव टू सर्च अ प्लैनेट लाइक अर्थ वेरी सून, अगर नहीं मिला तो फिर अर्थ को तो हम खराब कर रहे हैं और थोड़े टाइम में वो इतनी खराब हो जाएगी कि वहां पे रहना पॉसिबल ही नहीं, मे बी आफ्टर नेक्स्ट 300 ईयर्स शायद अर्थ रहने के लायक ना रहे, ओके, या यहाँ पे कोई ऐसा सक्सेशन हो जाए कि ह्यूमन बीइंग यहाँ पे रह नहीं पाएंगे, इतना क्लाइमेटिक चेंज आ सकता, ठीक है, तो हम इसलिए क्या पूरा वर्ल्ड क्या ढूंढ रहा है, आप सुनते होंगे ना, एक नया प्लैनेट मिला, इतना गैलेक्सी, दूसरे गैलेक्सी में एक अर्थ जैसा प्लैनेट है जिसको हम पहुंचने की कोशिश करते हो, करेक्ट, डू यू वॉच सुपर हीरोज की मूवीज, ये जो मार्वल वगैरह की आती है ना, हाँ एवेंजर्स, वेरी गुड, हाँ मैं नाम भूल रही थी, तो एवेंजर्स आपने देखा है, वो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी और यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, करेक्ट, और वो कैसे अलग अलग तरीके से अडेप्ट भी करते हैं, उनके कोई हरे कलर का है, कोई नीले कलर का है, अडेप्टेशन है ना, वो सब अलग टाइप के हो गए हैं, इज इट इट, तो उन्होंने अडेप्ट किया है वो सब चीजों को, ठीक है, तो यू नेवर नो, ये सब चीजें फ्यूचरिस्टिक हो सकती है, तो वो क्या है,
ecological succession. Are you getting it? You know, we are what type of ecosystem or not? हमारा जो ecosystem है अर्थ पे, हमारी community है, वो type वन है, type वन. और अगर आपने world में सारे सबको जान लिया, मतलब समुद्र के नीचे क्या है, उसके अंदर कितने organism है, हवा में कितने, soil में कितने, पूरा छानबीन हो गई, सबको जान लिया, तो फिर हम थोड़े इससे आगे बढ़ेंगे. अगर आपने मून अपने सोलर सिस्टम में दूसरे ऑर्गेनिजम्स को पहचाना, अगर वो है तो हमें तो पता भी नहीं है कि नहीं, बराबर है. हम दूसरे दूसरे ग्रह पे गए तो वो टाइप टू होगा. फिर अपनी गैलेक्सी से बाहर निकले अगर हम, तो वो टाइप थ्री होगा. आर यू गेटिंग? ऐसे कनेक्ट होता है. फिर अगर आपने कुछ और बहुत ही दो चार गैलेक्सी को क्रॉस करके आप बाहर निकले तो टाइप फोर, अगर आप पूरे यूनिवर्स को पहचान गए तो टाइप फाइव, ऐसे बढ़ता है इकोसिस्टम, ये क्लासिफाइड है. तो हम तो अभी यू नो ऐसे उसके एक बिगिनिंग में है, हमें ऐसे लगता है हम बहुत आगे बढ़ गए. नहीं क्लास, हम यूनिवर्स में हम सिर्फ अर्थ पे हैं और अर्थ को भी हम ठीक से पहचान नहीं पाए अभी तक, इज इट? तो अभी तो हमको वो भी देखें, क्या हम अर्थ के सारे ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं? नहीं. समुद्र के नीचे कितने हैं जिनको हमको पता भी नहीं है वो है भी कि नहीं. 70% ऑफ ऑर्गेनिजम्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, नहीं हुए. आर यू अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट? सो इट इज लाइक दैट. ठीक है, प्लस विद टाइम वो चेंज हो रहे, कितने सारे तो हमको मिलने के पहले मर भी जाएंगे, इज इट? सो एज टाइम विल गो, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को अलाउ करती, करेक्ट? ये देखिए डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी. पहले खाली पायोनियर्स, उसके बाद सब लोग वहां जाएंगे, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आएंगे, और फाइनली उस जगह पे, जो भी वो जगह है, वहां पे एक पूरी कम्युनिटी बन जाएगी. ठीक है, अब ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहां पे रहेगी अच्छे से, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगी, फिर नई कम्युनिटी बनेगी, फिर वो भी खत्म होती है, फिर नई कम्युनिटी आती, और ये प्रोसेस चलता ही रहता है. एंड दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन. तो ये देखिए प्रोसेस ऑफ सक्सेशन कैसे होगा. यू कैन सी द स्टेप्स. न्यूडेशन मैं एक्सप्लेन करूंगी आप, इन्वेजन, एसिसिस, एग्रीगेशन, कॉम्पिटिशन, कोएक्शन, रिएक्शन एंड स्टेबिलाईजेशन. नाउ क्लास, ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या है, ये क्या स्टेप्स है? ये देखिए, ये रहे हमारे स्टेप्स, ध्यान से देखिए. जब भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा, वन मिनट, आई मेक इट लिटिल एनलार्ज. ठीक, न्यूडेशन. न्यूडेशन मतलब एक तरीके से अटैक करना, डिस्टर्ब करना. हाँ, अटैक से बेटर वर्ड है डिस्टर्ब. एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, वहां पे किसी वजह से चेंज क्यों आएगा, तो कुछ डिस्टर्बेंस आनी चाहिए. या तो पानी कम पड़ जाए, या तो अर्थक्वेक आ जाए, या तो फ्लड आ जाए, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होना चाहिए. जैसे कोरोना वायरस एक डिस्टर्बेंस है, उसने पूरे वर्ल्ड को हिलाके वो हमारे लिए एक चेंज है, बहुत बड़ा चेंज, जिसकी वजह से हम अभी नए तरीके से जी रहे हैं ना. हम मास्क लगा रहे हैं, दिन भर हाथ धो रहे हैं, घर के बाहर कम जा रहे हैं. वो क्या अडाप्ट करो, अडाप्ट नहीं किया तो मर जाएंगे हम, इज इट? सो व्हाट इज दैट? इट इज अ डिस्टर्बेंस. इट इज समथिंग न्यू, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, करेक्ट? द डिस्टर्बेंस इज समथिंग न्यू. न्यूडेशन डिस्टर्बेंस. इट कैन हैपन due to physiographic, मैंने कहा earthquake, flood, सूखा, correct, कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा बारिश, climatic change, कोई भी आ सकता है, गर्मी, ठंडी, बहुत ज्यादा disturb होना चाहिए. biotic agent, कोई नए type का organism, कोई नए type के पेड़, कोई नई type की बीमारी, okay?
जो चेंज आता है उसको बोलते हैं न्यूडेशन, जो इस एरिया को फोर्स करता है कि आप चेंज होना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब जब डिस्टरबेंस आ गया, चेंज हुआ है, या तो बहुत पानी आ गया या पानी चला गया या गर्मी बढ़ गई या ठंडी आ गई, जो भी चेंज हुआ है अब क्या होगा ये देखिए। ठीक है, इन्वेजन, जिसके लिए मैंने वर्ड यूज किया था अटैक, तो क्या होगा, ये एरिया में पानी कम हो गया ऐसा मान, तो फिर जिन ऑर्गेनिजम्स को पानी कम चाहिए वो इस एरिया में जाएंगे, उनके लिए तो अच्छा हो गया ना, पानी कम हो गया, बहुत अच्छी बात है, चलो हमको ऐसा चाहिए था, तो वो ऑर्गेनिजम्स वहां पे अटैक करेंगे ताकि वो लोग वहां पे रह सके, और जिनको ज्यादा पानी चाहिए वो वहां से बाहर चले जाएंगे। करेक्ट, जिनको ज्यादा चाहिए वो हो सकता है वहां मर जाएंगे क्योंकि पानी तो खत्म हो गया, वहां पे कम हो गया। करेक्ट, सो क्लास इस एरिया में मैं एक चेंज मान के चल रही हूँ कि पानी हो गया कम, लेस वॉटर। ठीक है, पानी हो गया कम, लेस, और ऑर्गेनिजम्स उसमें आ रहे हैं जो हम पानी में रह सकते हैं, अटैक कर रहे हैं उस एरिया, इन्वेजन। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? तो कौन आएगा नया? डायरेक्टली बड़ा ऑर्गेनिज्म नहीं, छोटे छोटे सीड्स, स्पोर्स, पोलन ग्रेन्स, छोटे छोटे अलगे, छोटे छोटे प्लांट्स, बहुत ही छोटे, वो वहां पे आने लगेंगे। देखिए क्लास, लुक एट दिस वर्ड, अराइवल ऑफ प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं? बहुत ही छोटे, जस्ट डेवलपिंग प्लांट्स, छोटे सीड्स, वो आज, ठीक है, उनकी वजह से वहां पे क्या होगा, कुछ वेजिटेशन आ जाएगा, वो ग्रो हो रहे ना, सीड शायद जर्मिनेट हो जाए, अलगे वहां पे ग्रो होने लग जाए, छोटे छोटे प्लांट ऐसे बहुत छोटे हो सकता है, छोटा ग्रास ग्रो होने लग जाए ऐसे चारों तरफ। ये देखिए, बड़ा बड़ा पेड़ नहीं उगा सकते आप तुरंत, ठीक है, छोटे, बहुत ही छोटे, दीवार के ऊपर हरा हरा हो जाए, पत्थर के ऊपर हरी अलगी आ जाए पूरी, वो हो जाए। ठीक है, अब जब ऐसा होगा तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, अगर ये रह सकता है तो दूसरा भी आएगा, चलो मैं भी जाता हूँ रहने, तो उस एरिया पे क्या होगा, नए ऑर्गेनिज्म अटैक करेंगे, चलो मैं भी चलता हूँ, न्यू ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहे, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, जैसे अमेरिका मून पे गया तो हम भी जा रहे, करेक्ट, रशिया बोलेगा मुझे भी जाना है, करेक्ट, चाइना बोल रहा है मुझे भी जाना है, तो जाते, तो दूसरे लोग भी उसको क्या करेंगे, अटैक करेंगे, देखो इन्वेड करेंगे, तो वहां पे हो जाएगी भीड़, भीड़ को बोलते हैं एग्रीगेशन, जमा हो जाए। ठीक है, पहले एक दो आए पायोनियर्स, फिर क्या हो गए उधर भीड़, अब बहुत सारे आ रहे, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, लेकिन बहुत मेहनत से वहां पे रहना क्योंकि वहां पे पानी हो गया है कम, तो एक्चुअली कोई अच्छी बात नहीं, बड़ा मुश्किल है उधर रहना, फिर भी ऑर्गेनिजम्स वहां पे जा रहे। ठीक है, अब भीड़ होगी तो क्या होगा क्लास, जहां पे भी भीड़ होता है, कॉम्पिटिशन के लिए, फॉर फूड, फॉर एयर, फॉर ऑक्सीजन, एवरीथिंग, देयर विल बी कॉम्पिटिशन। ठीक है, यू अंडरस्टैंडिंग, तो वो जो नए वेजिटेशन वो वहां पे ग्रो होंगे, स्प्रेड होंगे, विल फाइट फॉर स्पेस, लाइट, न्यूट्रिशन, सो सारी स्पीशीज एक दूसरे से क्या करें, कॉम्पिट, और जो कॉम्पिटिशन में सरवाइव करेगा वो ही फाइनली वहां पे सरवाइव कर। आर यू गेटिंग दिस? लुक एट दिस वर्ड, आर यू क्लियर? देखिए क्लास, पूरा एक बार में देखिए, सक्सेशन में पूरा नहीं हुआ अभी, वी आर जस्ट न्यूडेशन, इन्वेजन, ओके, यस, माइग्रेशन, एक्सेसिस, एग्रीगेशन, कॉम्पिटिशन। ठीक है, आई रिपीट, ये देखिए, न्यूडेशन, डिस्टर्बेंस, इन्वेजन, न्यू स्पीशीज विल स्टार्ट कमिंग,
उनका अटैक, ठीक है, दे विल स्टार्ट लिविंग एक्सेसिव, उसको देख के बहुत सारे न्यू स्पीशीज आने लगे, दे विल ट्राई टू फॉर्म सम कम्युनिटी, दे विल फॉर्म एन एरिया, दे विल स्टार्ट डेवलपिंग देयर रूट्स, ओके, देन देयर विल बी लॉट्स ऑफ स्पीशीज एग्रीगेशन, देयर विल बी कॉम्पिटिशन, को एक्शन, एक दो तीन चार मिलके एक साथ एक्शन करेंगे उस एरिया, फिर वो वहां पे एक प्रॉपर कम्युनिटी बन जाए। ये देखिए न्यूडेशन, इन्वेजन, माइग्रेशन वर्ड हमारे बुक में नहीं करे, एक्सेसिव, एग्रीगेशन, कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब हम लास्ट के दो देख रहे, रिएक्शन एंड स्टेबिलाईजेशन। रिएक्शन क्योंकि कॉम्पिटिशन होगा, न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से दे आर फाइटिंग, सो दे मे किल ईच अदर, दे मे विन कॉम्पिटिशन, सम विल लूज कॉम्पिटिशन, देन एरिया विल चेंज, करेक्ट, हो सकता है द वॉटर विल अगेन कम बैक स्लोली, न्यू टाइप ऑफ हैबिटेट, देर विल बी चेंज इन सॉइल, वहां का सॉइल चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ एल्गे। देखिए ऑटोजेनिक चेंजेस, हैबिटेट चेंज हो रहा है, न्यू कम्युनिटी आ जाएगी और धीरे धीरे वो प्रॉपर कम्युनिटी बन जाए, स्टेबिलाईज हो जाए, वो जो छोटी छोटी छोटे ऑर्गेनिजम्स थे उनको देख के, फिर कुछ बड़े ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे उनको देख के, कुछ एनिमल्स भी वहां पे आ जाएंगे और बन जाएगा एक प्रॉपर क्लाइमैक्स फाइनल। आर यू गेटिंग इट? इकोलॉजिकल सक्सेशन के स्टेज, ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस? यस। What is a Mahalakshmi? What are you asking? What is a changes? I couldn't hear you clearly. Repeat it, please. Organic changes. Autogenic food. Autogenic मतलब बस सिर्फ वही ऑटोमैटिक सेल। तो वहाँ पे रहने के लिए ऑर्गेनिज्म्स को खुद को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो वहाँ पे नए आए, तो उनको वो एरिया को क्या करना पड़ेगा, अडैप्ट करना पड़ेगा। अडैप्ट करेंगे तो वो खुद को बदलेंगे, वो खुद को बदलेंगे तो वो आजू बाजू के एरिया को भी तो कुछ चेंज करेंगे, इज इट? सपोज हम डेजर्ट में रहने जाते तो हम तो अडैप्ट करेंगे, पर हम वहाँ पे प्लांट ग्रो करेंगे, कुछ नए टाइप के क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो वो वहां पे भी चेंजेस आएंगे, इज इट? दैट इज ऑटोजेनिक, खुद को बदलना और वहां पे रहने वाले आजू बाजू के न्यू स्पीशीज एरिया को भी चेंज, ठीक है, दैट इज ऑटोजेनिक, फाइन, इज दैट क्लियर? सारे स्टेप्स को देखिए क्लास। अच्छा और एक चीज मैं बता दूं, हमारे बुक में स्टेप्स को एक्सप्लेन नहीं किया, देखो क्लास आपके बुक में सिर्फ इतना लिखा, ये व्हाट आर द स्टेप्स, देन दे हैव नॉट एक्सप्लेन दोस स्टेप्स, बट यू शुड फील कि वो स्टेप्स क्या है, आपको पता होना चाहिए ना कि न्यूडेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए इन्वेजन क्या होता है, ओके, इसलिए मैंने उसका डेफिनेशन दिया। मतलब अगर जो सामने स्लाइड दिख रही है अगर आप उसको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन ब्लैंकली कोई चीज को पढ़ना सिर्फ ओके ये स्टेप्स है इसमें क्या होता है मुझे नहीं पता, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। अब आपको पता है कि ये सब स्टेप्स में क्या हो रहा है, तो दिस इज बेटर, यू अंडरस्टैंड एंड लर्न, ठीक है। न्यूडेशन का मतलब डिस्टर्बेंस, चेंज, इन्वेजन, अटैक ऑफ अ न्यू स्पीशीज इन दैट एरिया, जो वहां पे रहना चाहते हैं, माइग्रेशन, एक से दूसरी जगह पर आ जाना, क्या है अटैक ऑफ अराइवल, हाँ सेम, बिल्कुल एंट्री और यूनिट, ठीक है। अराइवल को आप एक तरीके से माइग्रेशन भी ले सकते, कहीं से कोई सीड्स, कहीं से कोई स्पोर्स, कहीं से कोई अलगे वहां पे आ जाए, एक्सेसिस, वो वहां पे आके रहने लगेंगे, स्टैब्लिश हो जाएंगे, एग्रीगेशन, उनको देख के और बहुत सारे आएंगे तो वहां पे भीड़ हो जाए, भीड़ हो जाएगी तो शुरू होगा कॉम्पिटिशन, करेक्ट, कॉम्पिटिशन होगा तो फिर सबको फिर से चेंज होना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, कुछ अंदर आ जाएंगे, करेक्ट, तो एक दूसरे के ऊपर वो रिएक्ट करेंगे, एक्शन करेंगे, जो अडेप्ट करेगा वो सर्वाइव करेगा,
तो जो सर्वाइव करेगा वो बनेगा स्टेबल कम्युनिटी. क्लास वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन ऑर्गेनिज्म, इट इज अ ग्रुप, बहुत सारे. मेनी विल हैव टू अडैप्ट, मेनी विल हैव टू फाइट, मेनी विल हैव टू कम. क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो, स्पीशीज में एक नहीं, बहुत सारे, प्लांट भी एनिमल भी सब लोग को आना, ठीक है? यस फाइन. बट एग्जाम में नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज न्यू डेज, मैं वो बोल रही हूँ. Nobody is going to ask you what is age, but उसको बिना समझे आगे जाने का कोई मीनिंग नहीं. हमारे बुक पे सिर्फ पांच मिनट, ठीक है? Is that clear? Fine. आप अगर टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें ये सिर्फ एक लाइन है जो अभी हमने बताया, ठीक है? अब ये देख, जब सक्सेशन होता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए. सम स्पीशीज colonize an area और उनकी population बढ़ती जाती. एक species इधर आ गई, अपनी colony बन रही है और उनकी population बढ़ती जा रही है. देखो मैं number बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है कोई दूसरी species कम होती जा रही हो, तो हो सकता है यहाँ पे कोई species रहती थी और वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. देखो मैं erase कर लूँ, ऐसा भी हो सकता है ना, एक आएगा तो एक जाएगा ही. इट कैन कम्प्लीटली ऑल्सो डिसअपियर, कुछ स्पीशीज क्या हो जाएंगी, डिसअपियर, पर कुछ आ गई है वहां, करेक्ट? दिस एंटायर सीक्वेंस जो आती है, एक कम्युनिटी आती है दूसरी आती है, दैट इज कॉल्ड एज सेरास, ओके? दैट इज कॉल्ड सीरियल स्टेजेस और सेरी. देखिए सर, ये एक स्पीशीज आई, ये न्यू आई, तीसरी आई, ये जो एक एक करके एक दूसरे को फॉलो करते, दैट इज कॉल्ड द सीरियल स्टेजेस और द सेल्स, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस. तो क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, एक स्पीशीज आई, वो वहां रहने लगी, उसकी वजह से हो सकता है कुछ बाहर चले जाएंगे और ऐसे ग्रुप ऑफ स्पीशीज आते रहेंगे, ठीक है? और ये जो एक एक करके आएंगे लाइन से एक के बाद एक, दे आर कॉल्ड सेरेस. पायोनियर, पायोनियर को फॉलो करके उसका नेक्स्ट वन, फिर नेक्स्ट वन, तो क्या आ रहा है एक के बाद एक, सेरेस, न्यू 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 स्पीशीज जॉइन होती है, ठीक है? अब ये देखो, इट इज एंटायर ग्रेडियंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पायोनियर टू क्लाइमेक्स, ठीक है क्लास? आई रिपीट, वो एक ऑर्गेनिज्म वहां पे आया ऐसा नहीं है, एक के आने के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद आएगा, जो पहला है वो तो पायोनियर है, लेकिन बाकी भी तो आएंगे, दो तीन चार दस पचास हजार, करेक्ट? क्लाइमेक्स स्टेज तक बहुत सारे, सो दैट एंटायर थिंग विल लीड टू इकोलॉजिकल सक्सेशन. जो इंडिविजुअल, एक एक कम्युनिटी की हम बात करेंगे, जो इंडिविजुअल कम्युनिटीज आ रही है, दे आर नोन एज सीरियल कम्युनिटीज, द सेरेस, सीरियल कम्युनिटीज, ठीक है? सक्सेसिव एक के बाद सीरियल स्टेजेस आते जाएंगे, उनकी वजह से वहां पे चेंजेस होंगे. जैसे आप कहीं गए, आपने वहां पे कुछ चेंज किया, फिर एक टाइगर वहां पहुंच गया, उसने कुछ चेंज कर दिया, फिर वहां पे एक सपोज अलगे आ गया, उसने कुछ चेंज किया, अलगे के बाद वहां पे हो सकता है मैंगो का ट्री ग्रो होने लगा, वो वहां पे चेंज हुआ, तो डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ता जाएगा, टोटल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो आजकल जो कम्युनिटी वर्ल्ड में दिखाई देती है वो एक के बाद एक सक्सेशन होने के बाद आई है, करेक्ट? हम सब ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, सब एक साथ नहीं आ गए वर्ल्ड में. पहले कोई बैक्टीरिया आया होगा, फिर धीरे धीरे वो चेंज हुआ, फिर कोई अमीबा आया होगा, फिर वो चेंज हुआ, फिर उसके बाद मल्टी सेल्यूलर आए, ऐसे धीरे 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 मिलियंस ऑफ इयर्स में अर्थ ऐसी हुई है ना, इज इट इट? पहले ही सब कुछ रेडीमेड थोड़ी था, पहले ही फॉरेस्ट था क्या? नहीं, पहले श्योरली छोटे छोटे प्लांट्स आए होंगे, फिर बड़े प्लांट्स आए, तो धीरे 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 चेंजेस आ, और फिर वो बन जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है? और ये जो चेंजेस आते हैं उनको क्या बोलते हैं,
सीरियल कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म नंबर 1, 2, 3 ऐसे आते जाएंगे, वो अपने हिसाब से एरिया में चेंजेस लाते रहेंगे, डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ेगी क्या होगा, कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, नंबर बढ़ेगा, एरिया का बायोमास बढ़ेगा, और जो आज हम कम्युनिटी अर्थ पे देखते हैं उनको आने में मिलियंस ऑफ इयर्स लग गए। पर हमको ये नहीं बोलना है कि मिलियंस ऑफ इयर में बहुत सारे चले भी गए ना, एक आया तो बहुत सारे गए भी ना, तो कुछ लोग अभी भी हैं, कुछ चले गए ऐसा। और ये बिना जाए दूसरा नहीं आ सकता, आ सकता है, पर जब बहुत भीड़ हो जाती है तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, तो फिर किसी है किसी को खत्म। हाँ मैम, जैसे कोरोना आया और बहुत सारे लोगों को भेज दिया। बराबर सर, अब हो सकता है, वी नेवर नो, देखो हमारी तो वैक्सीन अभी तक पहुंची नहीं है, तो पता नहीं वो किस किस हमको कितना खत्म करके जाएगा, पर हम में से कुछ लोग सरवाइव कर जाएंगे, कुछ लोग ठीक भी हो गए तो वो बच जाएंगे, बराबर है, और हो सकता है उससे भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक आ जाए, तो ऐसे बोल नहीं सकते क्या होगा, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट रूल क्या है, चेंज, चेंज आना ही है, चेंज होना ही है, और चेंज की वजह से नई नई कम्युनिटी बननी, कोई जाएगा तो कोई आएगा भी जरूर, ऐसा मतलब हमें लगता है हम सबसे ज्यादा डेवलप है, नहीं हम भी एक दिन चले जाएंगे, ऑर्गेनिज्म शायद ह्यूमन बीइंग अर्थ पे रहे ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, कोई दूसरा ही ग्रुप आ जाए, कुछ अलग चेंज हो जाए, या हमको रहने के लिए बदलना, चेंज होना, ठीक है। ये देखिए आप, इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने टाइप में होता है, 2 टाइप में, ठीक है। ये देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो 2 टाइप में, जैसे ही मैं प्राइमरी बोलती हूँ, आपको मेरा मून वाला एग्जांपल रखो, मून पे जहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, ठीक है, डू यू एग्री, अभी तक जहां तक हमने देखा है मून को, जिस भी तरीके से, वहां पे लाइफ है क्या, नहीं, बराबर, तो कोई लाइफ नहीं है। अगर हम वहां जाके पूरी कम्युनिटी प्लांट एनिमल बैक्टीरिया सबको भेज दे, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी का मतलब है जहां पे नो लाइफ, पहले कभी नहीं थी, वहां पे बन गई है न्यू कम्युनिटी, ठीक है, इज दैट क्लियर। अर्थ में ही रहते हैं, लेट्स एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका कैसा एरिया, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं, इज इट, वेरी कोल्ड, बहुत ही डिफिकल्ट एरिया टू लिव, बहुत क्लाइमेटिक कंडीशन वहां पे ऑड है, तो ह्यूमन बीइंग अगर वहां जाए, जाते हैं हम बरम, और वहां पे हम अपनी कम्युनिटी बना लें, तो हम क्या करेंगे, पूरा प्राइमरी सक्सेशन, नो लाइफ टू कम्युनिटी। फिर आता है सेकेंडरी सक्सेशन, सेकेंडरी में क्या होता है, चेंज, वहां पे पहले लाइफ थी, पहले लाइफ थी, पर किसी रीजन से वो डिस्ट्रॉय हो, सपोज क्लास ये एक आइलैंड, ठीक है, और आ जाती है सुनामी और ये उसके अंदर चला गया, ये सी वाटर लेवल ऊपर आ गया, डूब गया आइलैंड, तो यहाँ पे लाइफ तो रही होगी पर ये तो पूरी खत्म हो गई। अब अगर यहाँ पे न्यू लाइफ आएगी, या सपोज धीरे धीरे पानी का लेवल कम हुआ और ये आइलैंड फिर से ऊपर आ गया, तो वहां पे न्यू लाइफ आएगी, न्यू कम्युनिटी बनेगी, बनेगी बिल्कुल बनेगी, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी का क्या मतलब होता है, लाइफ थी, किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई और नई लाइफ आ गई है। आर यू गेटिंग इट, लाइफ थी, किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई है, अब नई कम्युनिटी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसका मीनिंग अंडरस्टैंड कीजिए, व्हाट इज रिटर्न, ये देखिए ठीक, रीस्टेबिलाइजेशन, एक डिस्टर्बेंस आया वेर लाइफ वॉज देयर, बट अभी नए तरीके से आ गई। यहाँ पे हमने क्या बोला, नो लाइफ थी नहीं, अब आ गई मून पे, मंगल पे,
एंटार्क्टिका के ऐसे एरिया में जहाँ पे कोई नहीं रहता, डेड सी है, तो वहां पे कुछ बैक्टीरिया बहुत ही फ्यू हो सकते हैं। अगर हम वहां कमी बना ले तो वो प्राइमरी, पर जहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी थी उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और फिर नया बनाया जाए तो वो होगा सेकंड। ठीक है, सो व्हाट इज प्राइमरी? नो लाइफ टू न्यू टाइप ऑफ लाइफ, बराबर। और व्हाट इज सेकेंडरी? देयर वाज लिविंग बट इट गॉट डिस्ट्रॉयड एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू रीएस्टैब्लिश एंड लिव देयर। कभी कभी पूरे जंगल में आग लग जाए, तो जंगल था ना, पूरा जल के खाक हो गया, अब क्या होगा? धीरे धीरे स्लोली नए पेड़ आएंगे, धीरे एनिमल्स भी उस जंगल में आने लगेंगे, वो ग्रो होता जाएगा और नया जंगल बनेगा सेकेंडरी, क्योंकि पहले से था और जहां पे कभी कुछ नहीं था प्राइमरी। आर यू क्लियर विद द टू टाइप्स क्लास? इसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना। आर यू क्लियर विद दिस? समझ में आया इतना? ठीक है, तो आई एम स्टॉपिंग हियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, और हम कुछ नया स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस, ओके, सो आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर टुडे। थैंक यू मैम, प्रीवियस चैप्टर के स्लाइड भेज दीजिएगा। हाँ सर, जरूर। मैं ना क्लास प्लीज ध्यान दीजिए, मैं वो वाली पूरा चैप्टर भेज रही हूँ, आप उसमें से प्लांट वॉटर में से सिर्फ आप कितना पढ़ेंगे, जहां तक है राइजोस्पियर एक वर्ड है वहां तक ही पढ़ना। ठीक है? यस मैम, ओके, बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम, या बाय बाय, टेक केयर।